क्या बना रहे हो आशु? आज तुम्हारा मन कैसे कर रहा है पाव भाजी बनाने का? क्या अच्छी लगती है पाव भाजी? लेकिन यार इतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे बनाने में। छोटू तुम क्या कर रहे हो? खा लो तुमने नमकीन। तुम्हें पाव भाजी खाने? तो फ्रेंड्स आज हमारे घर पे बनती है पाव भाजी। आज तो बनाने जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे अपने पाव भाजी की पूरी रेसिपी। जुड़े रहिए अपने K10 ट्रैवलिंग बीस्ट के साथ। फ्रेंड्स देगी जबरदस्ती का टॉर्चर, मुझसे जबरदस्ती चलवाई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है मटर छीलने पे। मैं छील के दूंगी मटर और आशु काटेगा अदर वेजीज। क्या कर रहे हो आशु? कचड़ा भरने में लगे हो? इसे अच्छे से सब्जी को धो लेंगे, सब्जियों को अच्छे से धो लेंगे और कुकर में इसको सीटी लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने अपनी वेजिटेबल्स धो के कर लिए हैं तैयार और हम इन्हें जा रहे हैं बॉईल करने के लिए। ये हम पाव भाजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सारी चीजें। अभी ये देखिए आशु कर रहे हैं सारी चीजों को कलेक्ट। इसमें पानी कितना डालना है आशु? डेढ़ कप। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जब कुक आंटी आती थी ना, हमने हमारे सारे कुकरों के डंडे तोड़ दिए। सॉल्ट डाल दिया इसमें। और क्या डालना है अभी? देखिए हमारा कुकर लगा कर दिया है तैयार। अब हम वेट करेंगे इसमें सीटी आने का। जैसे ही सीटी आएगी फिर हम अपनी पाव भाजी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। आशु इस हथियार की क्या जरूरत आ गई है? क्या है ये फिर? ये तो सैलेड वगैरह काटने की। अनियंस लेके आओ, ये टमाटर। तुम लोग भी बैल करने का तरीका जानती हूँ मैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उठा के पूछो कौन है। ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या मजे आते मुझे बदनाम करने में। फिर मारूं फ्रेंड्स? चलो। ये हमारे यूट्यूब में ना रियलिस्टिक व्यूज नहीं देता है अपने, सब के सिबलिंग्स देते हैं। वो हमारा गोला हो गया है हमारा, देखो सोफा कोला हो गया है सोफे में। एक्चुअली हमने अपने सोफा उठा के अपने घर में लगा लिया, इतने गरीब है फ्रेंड्स हम।
तो फ्रेंड्स सब्जी जो है हमारी उबल गई है और इसे मैश कर रहे हैं अच्छे से। टमाटोज ये कट गए हैं हमारे, ये हमारी प्याज है और इसमें हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं एवरेस्ट पाव भाजी मसाला और साथ में थोड़ा सा मदर चॉइस अमचूर पाउडर। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसको बढ़िया से फ्राई करने की। प्याज को भूनने में तो टाइम लगता होगा, प्याज थोड़ी कच्चे कच्चे लगते हैं ना पाव भाजी। फ्रेंड्स प्याज को देखते हैं थोड़ा सा समय पकने के लिए। आवाज कितनी अच्छी लगती है ना जो ऐसे आती है। तो फ्रेंड्स हो रही है इस टाइम प्याज की भुनिंग, यानी कि प्याज भुन रही है अभी। ये देखिए ये हमारी प्याज इस टाइम भुन रही है और इनको पी लिया चाय क्योंकि इन वाला जुकाम गला खांसी। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इतना प्याज को भुनेंगे है। तो दाल ऑमलेट खाओ। पागल है क्या? तो गाइस ये हमारी प्याज भुन रही है साथ में अदरक गरम मसाला पेस्ट जो हम वेजिटेबल उबालते हैं ना उसका स्टॉक कभी नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा वो यूज़ करना चाहिए। आप वेजिटेबल अच्छे से धोलें और फिर उसको उबालें और जो उसका वेजिटेबल स्टॉक बचता है वही डाला करें आप सब्जी में जब भी कोई आप ऐसी सब्जी या भाजी बना रहे हैं। थोड़ी सी उखाड़ दो, स्पाइसी बनी है क्या? यार इतनी स्पाइसी मत बनाना। ठीक है रहने दो फिर, वैसे भी आजकल बहुत तेज़ आ रही है, रहने दो फिर। और इसमें ऐड करेंगे टमाटर। क्यूमिन होता है, काली मिर्च होती है, बड़ी इलायची होती है, दालचीनी होती है, तेज पत्ता होता है। पर कुछ भी कहो यार घर में बना के ना एक सुकून रहता है दिल में, साफ सुथरा। अभी ऐड नहीं करना पानी। नहीं करना।
गुजरात कुछ भी कहो, लखनऊ में वो बॉम्बे पाव भाजी बना रहा था आशु, बहुत ज़्यादा नहीं है अभी सब्जी लेंगे तो सबका मन लेंगे, वैसे भी रंगत के काम आती है ये बोले रंगत के आने तीखी नहीं आती जितने भी लोग मुझे जानते होंगे ना, तो मेरे थोड़े से भी क्लोज होंगे उन्हें सबको पता होगा कि मुझे चाय कितनी ज्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स पाव भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसमें डालेंगे थोड़ा नमक और हमने नमक डाला था कम, ठीक है तो हम दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स हमने कर लिए दो तवे तैयार, एक में करेंगे भाजी बटर में और दूसरे में करेंगे अपने पाव गरम। Thank you.
काट लेना, हो गया और रखेंगे तेज बड़ी गैस में। आप तो हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी हो गया तैयार। हमारे पाव देखिए कितने क्रिस्प के हैं और मैंने कितना अच्छा अनियन काटा है। लो भाई फ्रेंड्स इनको दी शाबाशी। हां मुझे मत दिखाओ। ठीक है फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, क्योंकि अब हम लोग भी जा रहे हैं तैयारी में खाना पाव भाजी। आप बस एंजॉय करिए, देखिए क्या शानदार बढ़िया पाव भाजी हमारी।